अभी रहेगा कांस्टेंट मोशन, ओके। बात करेंगे कांस्टेंट मोशन पे। कांस्टेंट मोशन, ओके। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कांस्टेंट मोशन, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? The motion of a particle is constant motion if it is restricted to move along a given curve or a surface, okay? The motion of a particle is constant motion. Constant motion if it is restricted to move along a given curve or a surface. Okay. So now we shall study the motion of a particle on a smooth vertical circuit. Okay. On a smooth vertical circuit, okay. इसमें फर्स्ट रहेगा इनसाइड ऑफ ए वर्टिकल सर्किल। वर्टिकल सर्किल पे स्मूथ वर्टिकल सर्किल एंड एक्स वाई जेड कुछ भी कर हो सकता है, साइक्लोन भी हो सकता है, ठीक है। सर्किल की आज बात करेंगे हम, सर्किल की नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम साइक्लोन पे, ओके। इनसाइड ऑफ ए वर्टिकल सर्किल, और नंबर दो, सर्किल में दो कंडीशन होती है, इनसाइड एंड आउटसाइड। आउटसाइड ऑफ ए वर्टिकल सर्किल, ओके। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इनसाइड ऑफ ए वर्टिकल सर्किल, ओके गाइस। फर्स्ट Describe the motion of a particle on a smooth vertical circle, okay? Smooth vertical circle. Two inside of the circle inside बात करेंगे आज inside of the vertical circle, okay? Inside the circle या vertical circle, inside of vertical circle, okay guys? देखिए
एनी सर्किल एंड दिस इज द सेंटर ऑफ सर्किल एंड दिस इज द रेडियस ए। ये रेडियस है इसकी। यहाँ पे इनिशियली कोई पॉइंट एम मास का, मान लो एम मास का कोई पार्टिकल टाइड वाइज वाली वर्टिकल इनएक्सटिबल स्ट्रिंग से, एंड यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी यू कितनी है यू, आफ्टर टाइम टी मान लो ये यहाँ पहुंच जाता है आफ्टर टाइम टी, दिस इज द ओ सेंटर, यहाँ पे लिखिएगा इसकी वेलोसिटी इधर है ओके। तो एम डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर, एंड मान लो टी समय में इसने थीटा एंगल बनाया, कितना एंगल बनाया थीटा एंगल क्रिएट किया, एंड एस डिस्टेंस तय की इसने, ए पॉइंट पे था इनिशियली पी पे पहुंच गया आफ्टर टाइम टी ओके। यहाँ पे पार्टिकल पहुंचा तो इसका वेट ऑलवेज नीचे की ओर, इसके कंपोनेंट दो रहे हैं थीटा, तो एम जी कॉस थीटा एंड एम जी साइन थीटा ओके गाइस। तो लेट ए पार्टिकल ऑफ मास एम टाइड टू एन इन एक्सटी एन टाइड टू एन इन एक्सटीबल स्ट्रिंग इन एक्सटेबल सॉरी एम जी वेट इसका ऑलवेज नीचे की ओर रहेगा। लेट ए पार्टिकल ऑफ मास एम टाइप टू वन एंड ऑफ लाइक इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग यहाँ पर ओके, हुज अदर एंड हुज अदर एंड एंड इज अटैच्ड टू ए फिक्स पॉइंट ओ इनिशियली इनिशियली पार्टिकल एट ए एट ए आफ्टर टाइम टी पार्टिकल एट पी एट पी ओके गाइस। इनिशियल पोजीशन ये है इसकी टी आफ्टर टाइम टी पार्टिकल है टी सच दैट, इसका मतलब क्या होगा कि टी समय में उसने कितनी डिस्टेंस तय की एस सच दैट ए पी इक्वल टू एस ओके। एस इक्वल टू क्या हो जाएगा ए थीटा ओके, एस इक्वल टू ए थीटा हो जाएगा यू नो एस इक्वल टू ए थीटा, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं जिसका मान लो डिफरेंशिएट कर लें एक बार इक्वल टू ए डी थीटा सॉरी ठीक है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन एट पी, अब इक्वेशन ऑफ पी पे पी पॉइंट पर हम इक्वेशन निकालते हैं पार्टिकल की ठीक है। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन एट पी
नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन एट पी, ओके देखिएगा यहाँ वी स्क्वायर अपॉन रिएक्शन इधर काम करेगा, ओके एंड सेंट्रीपेटल फोर्स भी इधर काम करेगा, ओके ओ की तरफ। सो देखिएगा लिख देते हैं हम एंड वी स्क्वायर अपॉन ए, रो होता है वी स्क्वायर अपॉन रो, बट वी स्क्वायर अपॉन रो, रो की वैल्यू क्या है पे ए, रो मतलब ए रेडियस, रेडियस ऑफ ए। देखिए नाउ एम डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर है कि एम डी टू स्क्वायर इज इक्वल, ये देखो यहाँ पे इधर ये इधर माइनस अपोजिट साइड है माइनस एम जी साइन थीटा, इक्वेशन सेकंड। अब देखिएगा एम वी स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू आर, आर इसी डायरेक्शन में, आर माइनस अपोजिट डायरेक्शन में एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा, इक्वेशन थर्ड, ओके ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई ये वाली, ओके नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इसको हम इस तरीके से एम से एम कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको और ये बचेगा हमारा डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा, ओके इसको हम वी डी वी अपॉन डी एस इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा, तो वी डी वी इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा एंड डी एस, ठीक है डी एस इक्वल टू ए डी थीटा बाई यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, सो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ओके हमारा बनेगा वी स्क्वायर सॉरी वी डी वी इक्वल टू माइनस जी माइनस ए जी साइन थीटा एंड डी थीटा, ओके नाउ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई टू एक्वेशन, इसमें मल्टीप्लाई किसका कर रहे हैं टू का मल्टीप्लाई कर दो दोनों, ओके तो टू वी डी वी इक्वल टू माइनस टू ए जी साइन थीटा एंड डी थीटा, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं ऑन इंटीग्रेटिंग, ऑन इंटीग्रेटिंग ये हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए जी कॉस थीटा, ओके प्लस सी, हियर सी इज इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट, ओके इनिशियली की बात करें यहाँ पे देखो यहाँ पे इनिशियली वी इक्वल टू क्या आएगा यू, इनिशियली सबसे पहले इनिशियल वैल्यू जो क्या थी हमारी वी इक्वल टू यू एंड थीटा कितना था यहाँ पे थीटा यहाँ पे जीरो हो जाएगा थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी एंड थीटा इक्वल टू जीरो, सो सी इक्वल टू यहाँ से निकलेगा हमारा यू स्क्वायर माइनस टू ए जी, ओके पुट कर दो सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू ए जी प्लस टू ए जी कॉस थीटा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन एट पी, दिस इक्वेशन गिव्स द वेलोसिटी, दिस इक्वेशन गिव्स द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट पी, ओके इसको अल्फा डाल दे रहे हैं इक्वेशन, इक्वेशन का नाम क्या है अल्फा, ओके नाउ देखिए वी स्क्वायर आया हमारा ये वी स्क्वायर है, इस वी स्क्वायर की वैल्यू यहां से देखिए फ्रॉम इक्वेशन
थर्ड, इसको थर्ड को स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, आर इज इक्वल टू एम अपॉन ए वी स्क्वायर माइनस प्लस एम जी कॉस थीटा। ओके, वी स्क्वायर की वैल्यू हम यहां से पुट कर रहे हैं यूजिंग इक्वेशन अल्फा। सो आर इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा एम अपॉन ए यू स्क्वायर माइनस टू ए जी प्लस थ्री ए जी कॉस थीटा। ओके, कॉस थीटा ऐसे इक्वेशन बीटा, ये इक्वेशन होगी हमारी बीटा। इक्वेशन बीटा गिव्स गिव्स द रिएक्शन रिएक्शन एट पी, पी पॉइंट पे रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है हमारी। ओके, इक्वेशन अल्फा। नाउ हमें इक्वेशन वन और अल्फा और बीटा की बहुत जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इन्हीं से सॉल्यूशन देंगे आगे। सो इसलिए इनको हम साइड में लिख लेते हैं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू आया था यू स्क्वायर माइनस टू ए जी प्लस टू ए जी कॉस थीटा। ओके, ये इक्वेशन अल्फा थी हमारी, एंड आर इज इक्वल टू आया था हमारा एम अपॉन ए यू स्क्वायर माइनस टू ए जी प्लस थ्री ए जी कॉस थीटा। ओके, ये इक्वेशन थी हमारी बीटा। ओके, नाउ देखिए इनका सॉल्यूशन निकालने के लिए, सॉल्यूशन तो आगे हमारे रिएक्शन वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं यहाँ से। ओके, रिएक्शन इस तरीके से गेन कर सकते हैं, बट अब उस अलग से सॉल्यूशन उस पाथ पे सर्कल पे पोजीशन के अलग अलग देखने के लिए कि मतलब पाई से लेके पाई पाई बाई टू से लेके पाई तक एंड पूरे राउंड पूरा राउंड करने के लिए कैसे कैसी पोजीशन आएगी, आर कहाँ पे जीरो होगा, कब कैसे क्या होगा, वो उनके लिए हम कुछ आगे सॉल्यूशन लेते हैं। ओके, देखिए पॉइंट ए डाल दीजिएगा। ओके, ए नंबर, इफ वी इक्वल टू जीरो देन थीटा इक्वल टू थीटा वन मान लीजिए। ओके, मतलब थीटा इक्वल टू थीटा वन पे क्या होती है हमारी वी इक्वल टू जीरो कब हो रही है, जब वी इक्वल टू जीरो हो रहा है इसका मतलब थीटा रहा है थीटा वन पर। ओके, रखिए इक्वेशन अल्फा, यूजिंग इक्वेशन अल्फा तो कॉस थीटा वन आ जाएगा, यहाँ से निकालेंगे हम कितना आ जाएगा, मैंने यहाँ पुट कर रहा हूँ, देखिए ये आ जाएगा टू ए जी माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए जी। ओके, यही आएगा, वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ जीरो पुट कर देंगे, थीटा इक्वल टू थीटा वन रखेंगे तो कॉस थीटा वन इक्वल टू टू ए जी माइनस यू स्क्वायर पर टू ए जी आ जाएगा। यहाँ से देखते हैं, ओके, मतलब वी बराबर जीरो यहाँ पे हो रहा है, वी वी इक्वल टू जीरो कब हो रहा है यहाँ पे थीटा क्या है थीटा वन पे वैल्यू कितनी हो रही है जीरो। ओके, हो गया ये पी हो गया ए हो गया इसे बी मान लिया सपोज कर लिया सॉरी ए हमारा ए था इसे मान लो बी। ओके, सपोज ये एच वन हो गई हमारी ए बी, ए बी इक्वल टू इनिशियल पॉइंट से कितनी हाइट पर वी इक्वल टू जीरो हो रहा है इनिशियल पॉइंट से, ये एस गेन कर लेंगे यहाँ से इनिशियल पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट ये वाला है इनिशियल ए पॉइंट ए से कितनी हाइट पर वी इक्वल टू जीरो हो रहा है
हमने एच1 मान लिया, यहाँ से देखिएगा ये थीटा हो गया, तब कॉस थीटा वन यहाँ से कितना हो जाएगा, कॉस थीटा वन इक्वल टू हो जाएगा ओ बी अपॉन ओ बी। ओके, यहाँ से ओ बी की वैल्यू निकालेंगे हम, आ जाएगा ओ पी। ओ पी क्या है, ए रेडियस ऑफ द सर्किल ए, सो ए कॉस थीटा वन। ओके स्टूडेंट, नाउ अब देखिए हम एच वन की हमें निकालना है एच वन, सो क्या करेंगे ओ ए बी इजिकल टू इस ए बी को, इसमें से ओ ए में से ओ बी को लेस कर दें, ओ ए में से ओ बी को लेस कर दें तो ए बी बचेगा, ओ ए माइनस ओ बी, ओ ए माइनस ओ बी ये रखा है हमारे पास, ए कॉस थीटा वन, कॉस थीटा वन की वैल्यू हमारे पास यहाँ रखी है। ओके, कॉस थीटा वन की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो ए माइनस ए इंटू टू ए जी माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए जी, यहाँ से निकालेंगे वैल्यू तो आ जाएगी हमारी यू स्क्वायर अपॉन टू जी। एच वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, एच वन इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन टू जी। ओके, सेकेंड पॉइंट, इफ आर इजिकल टू जीरो देन थीटा इजिकल टू, व्हेन थीटा इजिकल टू थीटा टू, व्हेन थीटा इजिकल टू थीटा टू। देखिए बाई इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन अल बीटा, आर की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे जीरो। ओके, तो हमारे कॉस थीटा टू आ जाएगा यहाँ से देखिएगा, तो टू ए जी माइनस यू स्क्वायर अपॉन थ्री ए जी। ओके, क्या जाएगा, और आर की वैल्यू हमने पुट क्या की जीरो, तो और थीटा इक्वल टू थीटा टू, सो कॉस थीटा टू इक्वल टू टू ए जी माइनस यू स्क्वायर अपॉन थ्री ए जी। बस देखिएगा, दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द इनिशियल पोजिशन एंड दिस इज पॉइंट पी, दिस इज द पॉइंट पी वेयर आर इज इक्वल टू जीरो। सपोज कर लिया आर इक्वल टू जीरो, कब यहाँ थीटा क्या है, थीटा इक्वल टू थीटा टू, थीटा की जो वैल्यू थी वो क्या हो गई थीटा टू हो गई, कब थीटा की जो थीटा टू वैल्यू हो रही है और आर इक्वल टू जीरो, मतलब थीटा टू पर आर इक्वल टू जीरो हो रहा है। ओके, और इनिशियल पॉइंट से मान लो ये एस टू है हमारी, ये हमारा बी और ये ओ, ये डिस्टेंस आप एस टू ऊंचाई कितनी हुई एस टू सपोज कर लिया हमने, कितनी सपोज की एस टू। नाउ देखिएगा, तो कॉस थीटा टू इक्वल टू क्या जाएगा ओ बी अपॉन ओ पी, यहाँ से ओ बी निकालेंगे क्या जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा हमारा ओ बी इक्वल टू ओ पी कॉस थीटा टू एंड ए कॉस थीटा टू, ओ पी इक्वल टू ए, ये भी ए हमारी ओ बी। नाउ क्या चाहिए हमें ए बी, सो ओ ए माइनस ओ बी, ए बी इक्वल टू ओ ए माइनस ओ बी, पुट कीजिए ए माइनस ए कॉस थीटा टू, ये एच टू आ जाएगा, क्या ये एच टू है, यहाँ ये एच वन है हमारी और ये एच टू मान ली, तो एच टू, तो एच टू इक्वल टू क्या जाएगा, यहाँ से पुट करो ए माइनस ए कॉस थीटा टू की वैल्यू कितनी आई है 2ag माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3ag। ओके, ए माइनस ए 2ag अपॉन, सो ए हमारी वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस ए जी अपॉन, देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम लेके जो कुछ भी आएगा वो आएगा 3g, तो एस टू इक्वल टू क्या आया, ये एस टू इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए जी। ओके, एंड एच वन इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन टू जी। बात करेंगे अब केसेस।